हर दिलों की प्रीत जगतों में फिर चार दिनों के नाते हैं और पलकों के पर्दे पड़ते ही पलकों के ईमानदारी से उत्तर करो। जब तक नेत्र का पर्दा खुला है सब लोग अपने लगते हैं, जिस दिन ये पर्दा बंद और इसको सरलता से अगर समझा जाए तो ईमानदारी से उत्तर करो, आप लोग रामलीला प्रतिवर्ष देखते हो हमें ऐसा लगता है। जब तक ये पर्दा खुला है तो कई कलाकार अपना अभिनय करते हैं और जब पर्दा बंद हो जाता है तो सारे अभिनय, ये शरीर भी एक रंग मंच है। जब तक नेत्र का पर्दा खुला तो कोई पिता का अभिनय कर रहा है, कोई माता का अभिनय कर रहा है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई पुत्र है, लेकिन जिस दिन ये पर्दा बंद होगा तो रात भर तुम्हें घर पर रखने वाला कोई तैयार। पिता से पूछा गया अपने पुत्र के लिए क्या कर सकते हो, पिता ने कहा हमारा कलेजा ही है, हमारे खून की आवश्यकता होगी तो जल की तरह बहा दूंगा। कवि ने लिखा कि जल समरत बहाया जिस पर, एक अवसर आता है तो जल में वही बहाते हैं और चिंता की ज्वाला में जलते, चिंता की ज्वाला में जलते वही चिता जलाते हैं पलकों के। इसलिए जीव का उद्देश्य है खूब माया जनित जीव है। एक बार भगवती वेद की स्तुतियों ने भगवान से कहा ये जीव आपका बच्चा है और आपका बच्चा माया का जूठन खाए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज और ये माया से का जूठन खाए, तो भगवान ने कहा इसको मैंने विवेक दिया है ना, उस विवेक से इस जूठन से बचे। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवउ सो दशरथ।